राजभवन देहरादून में राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 दिवसीय वसंतोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने उपस्थित यहां पर वो रहे। इसमें राज्य के लगभग 30 विभागों द्वारा प्रदर्शनी में प्रतिभाग किया गया। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने विभिन्न प्रकार के लगाए गए स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में कृषि और फूलों के उत्पादन के क्षेत्र में अनेक संभावनाएं हैं जो उत्तराखंड के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। बता दें कि पुष्प प्रदर्शनी के रूप में शुरू हुआ यह आयोजन दिन प्रतिदिन लोकप्रिय होकर अब एक बड़े सांस्कृतिक और आर्थिक महोत्सव में बदल चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राजभवन में वसंतोत्सव के आयोजन से प्रदेश की कृषि और हेल्थी कल्चर के क्षेत्र में जो है एक अच्छा मंच से मिला है और उत्पादों के लिए भी एक बड़ा स्थान मिला है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। आने वाला समय में उत्तराखंड पुष्प प्रदेश होगा। बहुत सुंदर बात की है, ये जो आपने सवाल किया है इसी में जवाब है, इसी में हमारा संकल्प है कि आने वाले वर्षों में, आने वाले क्षणों में, आने वाले समय में उत्तराखंड पुष्प प्रदेश होगा, उसमें कोई शक की बात नहीं। ये ऋतु हम सबके प्रगति का घोतक है, उन्नति का घोतक है, आगे बढ़ने की घोतक है और हर प्रकार से मैं कहूँ कि एक खुशी की खुशी के रूप में बसंत ऋतु और माँ सरस्वती की सबसे ज़्यादा स्मृति स्तुति करने का ये वसंतोत्सव का जो यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये 3 दिवसीय